ये कि भैया ये आपके पास पूरा डाटा रहा, हम आपको दे रहे हैं इतना लोन निकलवाना है, हम आपको इतना परसेंट देंगे, या जो भी उनकी आपस में तय हो गया, नोटिस आ गया उसको ही मैनेज करना है, सिविल डाउन हो गया उसको ही मैनेज करना है, करें क्या? दोस्तों यहाँ पे मैं आज जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो बहुत ही खास इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने किसी भी रजिस्टर्ड लोन ऐप से लोन लिया है तो आजकल मार्केट में ये भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि फर्जी लोन ऐप्स ही आपको परेशान करने के लिए बैठी हैं, यहाँ पे बहुत सारी NBFC या बैंक रजिस्टर्ड, यानी कि जो रजिस्टर्ड हैं, यानी कि जो आपके सिविल में इफेक्ट करती है लोन को, लोन दिखाती हैं, लोन एक्टिव दिखाती है कि आपने इतना लोन लिया है, वो ऐप्स आपका क्या बिगाड़ रही हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर ये ऐप हमको ये परेशानी दे रही है, वो परेशानी दे रही है, हमको कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया, न्यूड फूड वायरल कर दिए, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और ये चीज़ें क्या हैं, और अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो आपको इनसे कैसे निपटना है। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्जी लोन ऐप्स ही यहाँ पे आपका बिगाड़ सकती हैं। यहाँ पे अगर आपने किसी भी रजिस्टर्ड ऐप से लोन लिया है, देखिए मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, मैंने रजिस्टर्ड बोल दिया, और रजिस्टर्ड में कई सारी ऐप्स आती हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपके साथ वो परेशानी हो रही होगी तो आप इस चीज़ को खुद समझ सकते हैं। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा डिटेल से, उसके लिए एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रजिस्टर्ड ऐप्स की, फर्जी ऐप्स के ऊपर तो मैं वीडियो बनाता रहता हूँ कि आज ये हो गया वो हो गया, सेम तरीका अब रजिस्टर्ड ऐप भी अपना रही हैं, क्योंकि क्या है ना कि जब से फेक लोन ऐप्स आई हैं मार्केट में, उन्होंने जो धुआंधार गंदगी फैला दी है, ठीक है ना, जिस तरीके से वो पैसा निकलवा रही है लोगों से, वही तरीका अब इन लोगों ने भी अपनाना शुरू कर दिया। उनको मालूम पड़ा है कि भैया लोग पैसे तो ऐसे नहीं देंगे, ऐसे तो हम पैसा निकाल नहीं पाएंगे मार्केट से अपना, तो कैसे निकालें, तो इन्होंने क्या किया है, अब देना शुरू कर दिया ठेका। अगर आपने किसी भी रजिस्टर्ड लोन ऐप से लोन लिया है तो क्या है, लोन कंपनी अब क्या कर रही है, दे रही है ठेका, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा समझ लीजिए। अभी ठेका क्या है ये आपको मैं समझाना चाहता हूँ, आपको पूरा समझना होगा, वीडियो को मिस मत करना, वरना आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे, क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा होता है और आपने किसी भी लोन ऐप से लोन लिया जो कि रजिस्टर्ड है, तो आपको नोटिस भी आ सकता है, रिकवरी एजेंट घर पे भी आ सकता है, और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो कि लीगल तौर पर होती हैं। वो क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी रजिस्टर्ड ऐप है, आपने उससे 10,000, 20,000, 50,000 जो भी आपने लोन लिया, ठीक है, आपने लोन ले लिया, EMI बन गई आपकी, ठीक है, क्या हुआ, और आप समय से उसको पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपने एक EMI दे दी, दूसरी रह गई, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। अब यहाँ पे रूल तो ये होता है कि 3 महीने बाद, यानी 91 डेज के बाद वो NPE में चला जाएगा, फिर उसके बाद जो है आपको लीगल प्रोसीडिंग किया गया आपके ऊपर, इस तरह के दुनिया भर के जो तिगड़म होती है, जो प्रोसेस होता है कानूनी तौर का, वो चलेगा। लेकिन यहाँ पे लोन ऐप्स वाले इस तरह की हरकतें नहीं करते, इस तरह की चीज़ें नहीं करते। उसका रीज़न क्या है, अब NPO को तो वो हर अकाउंट को तो डाल नहीं सकते, ठीक है, NPO में डाल देंगे तो बट्टा बैठ जाएगा कंपनी का या बैंक का, और यहाँ पे अब वो खुल के सामने भी नहीं आ सकते कि भैया अगर हमने लोन दिया है किसी को, हमारी कंपनी ने दिया है, अब हम खुल के वहाँ पे नहीं आ सकते, उससे नहीं गाली गलौज कर सकते, क्योंकि हम बंधे हुए हैं, क्योंकि हम रजिस्टर्ड हैं, RBI की पॉलिसियों का उल्लंघन नहीं कर सकते, हम बंधे हुए हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इनके जो रिकवरी एजेंट हैं तो उनसे कॉल करवाते हैं, लेकिन जो रिकवरी एजेंट हैं भैया उनको भी एक लिमिट है बात करने की, वो थोड़ी बहुत बदतमीजी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी बहुत, अनलिमिटेड नहीं, थोड़ी बहुत, उनके भी हाथ पैर बंधे हुए हैं, जितने लोग जॉब कर रहे हैं उनके भी हाथ पैर बंधे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक नया किस्सा निकल गया है वो ठेके का ऐसा निकल के आया है, यहाँ पे कुछ लोगों को ने हायर कर लिया, जो भी लोग हैं, चाहे वो बदमाश हो, गुंडे हो, या वो कुछ भी हो, हमें नहीं पता कौन है, उनको ठेका दे दिया कि भैया ये आपके पास पूरा डाटा रहा, हम आपको दे रहे हैं, आपको इनसे लोन निकलवाना है, अब क्या करोगे कैसे करोगे हमें नहीं पता, आप चाहे गाली दो, गलौज करो, कोई धमकी दो, सट्टी दो, कुछ भी करो, आपको ये हमें लोन निकलवा के देना है। मतलब सेम फर्जी लोन ऐप्स की तरह यहाँ पे काम हो रहा है, फर्जी लोन ऐप्स वाले आपको दुनिया भर की बदतमीजी करते हैं, फ़ोटो माफ़ करते हैं, दुनिया भर की गाली गलौज करते हैं, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता है। वही काम ये ठेके में दे दिया जाता है जो कि रजिस्टर्ड कंपनी दे देती है कि भैया हम आपको दे रहे हैं ये ठेका, 20,000 का लोन है या जो भी लोन है, आपको इतना लोन निकलवाना है, हम आपको इतना परसेंट देंगे, या जो भी उनकी आपस में तय हो गया,
जो भी तय हो गया, जो भी जिस हिसाब से, जिस कमीशन पे या जो भी सैलरी पे, कुछ भी है, कोई ना कोई तो फायदा होगा सामने वाले का, ठेका जिसको दे रहे हैं तभी तो वो काम कर रहा है ना, तो वो उसको ठेका देते हैं कि तुम इतना लोन निकलवाओ, हम आपको इतना देंगे। अब उनकी एक नहीं, दो नहीं, यानी कितनी फाइलें ऐसी होंगी, तो वो ठेका उनको दे दिया जाता है, पूरा रिकॉर्ड दे दिया जाता है, उनका आधार कार्ड पैन कार्ड दे दिया जाता है और कॉन्टैक्ट लिस्ट भी दे दी जाती है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ फर्जी लोन ऐप वाले ही आपकी कॉन्टैक्ट को हैक करते हैं, रजिस्टर्ड ऐप भी आपकी कॉन्टैक्ट को हैक कर लेते हैं। बस क्या होता है, वो बंधे हुए होते हैं, वो खुल के उसका कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई कॉल नहीं कर सकते। अगर कोई भी शिकायत पहुंच गई RBI को मालूम पड़ गया तो भैया उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, फिर जो बिजनेस कर रहे हैं ना, थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, दाल रोटी चल रही है, वो भी उनकी चली जाएगी। तो ये हरकत नहीं करते हैं, तो ये ठेका देते हैं। ठेका देने पर क्या होता है, वो ठेके वाले जो होते हैं, जिनको ये पूरी जिम्मेदारी दे दी है, सारी डिटेल्स दे दी हैं आपकी, अब वो परेशान करते हैं सेम फर्जी लोन ऐप्स की तरह, फोटो माफ कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। अब बताइए अब क्या करेंगे। अब आपकी यहाँ पे दिमाग में टेंशन ये बढ़ती है कि चलो फर्जी लोन ऐप का तो ये हिसाब है कि चलो भैया अगर पे नहीं कर रहा तो मेरी कॉन्टैक्ट पे कॉल करेंगे, बेइज्जती होगी, कोई बात नहीं, कानूनी कार्रवाई तो नहीं कर पाएंगे ना लोग, ना ही मेरा कोई सिविल खराब कर पाएंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि अब यहाँ पे टेंशन ये होती है कि यार ये तो मेरी कॉन्टैक्ट पे कॉल कर रहे हैं, कोई लीगल नोटिस ना आ जाए, यार ये तो रजिस्टर्ड है, अब क्या होगा, पुलिस घर पे ना आ जाए, रिकवरी एजेंट भी घर पे आ सकता है, लीगल नोटिस और ये सिविल डाउन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि रजिस्टर्ड है, अब क्या करें। फर्जी लोन ऐप की तो सिर्फ एक ही टेंशन होती है कि कॉन्टैक्ट पे कॉल करेंगे, उसको मैनेज करना है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट को ही मैनेज करना है, नोटिस आ गया उसको ही मैनेज करना है, सिविल डाउन हो गया उसको ही मैनेज करना है, करें क्या। अब ठेके वाले तो इतने हरामी होते हैं और ठेके वाले तो मानेंगे नहीं, आपसे लोन लेके ही मानेंगे क्योंकि उनको भैया कमाई है, उनको आप पैसा दोगे तभी उसको उसमें कमाई होगी, तो वो आपके साथ बदतमीजी तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि उनको रखा ही इसलिए जा रहा है, रखा ही इसलिए जा रहा है, ये पूरा ठेका बना दिया है इन्हें, समझ रहे हैं, क्योंकि कंपनी का कोई व्यक्ति आपसे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आप कल को क्या होगा ना, उसकी बात पकड़ लोगे, कंपनी बदनाम होगी, कंपनी बदनाम होगी तो लाइसेंस रद्द होगा, लाइसेंस रद्द होगा, उनका बिजनेस डाउन होगा, डूब जाएगा, अब वो खटखट पे आ जाएंगे। अब ठेके में क्या है, ठेके में ये लोग लोन निकलवाएंगे और बहुत से लोग कहेंगे कि यार ये कंपनी ऐसी है, ये कंपनी वैसी है, मैं कंप्लेंट करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, तो कंपनी कहेंगी भैया आपको किसने बोला, हमारी कंपनी ने अगर ऐसा किया तो हमें प्रूफ दीजिए, अगर हमारे किसी एम्प्लॉय ने या किसी बंदे ने ऐसा किया है हमें सबूत दीजिए। अब ठेके वाले हैं नहीं कंपनी से रजिस्टर्ड, उन्हें तो ठेका दिया गया है, कंपनी का उनसे कोई मतलब ही नहीं है, लीगल तौर पर कोई वो उनका कोई ऐसा कोई कागज पत्र भी नहीं है, या दिखा सकते हो कि हाँ ये कंपनी से ऑथराइज्ड है कि हाँ ये ऐसा काम कर रहे हैं, वो तो गुंडे हैं, कंपनी की तरफ से रखे गए गुंडे हैं, वो तो ठेका दे दिया गया है, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो आप प्रूफ ही नहीं कर पाओगे, प्रूफ नहीं कर पाओगे, आपको लोन देना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि आपको पता है कि सिविल डाउन कर देंगे, कंप्लेंट भी कर सकते हैं, रिकवरी घर पे आ सकता है, बहुत सी चीज़ें हैं, ये डर आपको होगा, आप उनका लोन पे कर दोगे, इसीलिए आप रजिस्टर्ड कंपनी का कुछ खा ही नहीं पाओगे क्योंकि आपके अंदर उनका बहुत डर बैठा होगा। ठेके वाले बच के निकल जाएंगे क्योंकि कंपनी के ऊपर अगर आप इल्ज़ाम लगाते हो, कंपनी कहेगी भैया ठीक है सबूत दो, अगर मेरे एम्प्लॉय ने ऐसा किया है तो आप मैं उसको निकाल दूंगा, और या आप RBI में शिकायत करो, RBI में भी शिकायत करते हो, RBI भी अगर जांच करेगा तो RBI कहेगा भैया इनके किसी एम्प्लॉय ने तो ऐसी कोई बदतमीजी की नहीं है, आपको कुछ और परेशान कर रहा है, उसके लिए आप साइबर क्राइम में जाओ, ये कौन आपको जो है कंपनी के नाम लेकर परेशान कर रहा है, कंपनी भी यही बात कहेगी, तो आपके पास क्या बचा, तंबूरा, बताइए, यही तो चक्कर है। आप उनकी कंप्लेंट भी करते हो तो भी कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, ये बहुत बड़ा एक ये जो चीज़ है ना मेरे सामने निकल के आई है, मुझे किसी एक बंदे ने ये इन्फॉर्मेशन दी है और मैंने पता किया, ये वाकई बात बहुत सही है, जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो ये हरकतें अपना रही है, उनका क्या है, सांप भी मर गया लाठी भी टूट गई, पैसा भी निकल गया, उनका काम भी हो गया, सारे काम हो गए, कंपनी भी बच गई, कंपनी बदनाम भी नहीं हो रही है, ये चीज़ें हो रही हैं, ये है पूरा प्रोसेस। तो अगर आपने किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी से लोन लिया तो आपको बच के रहना है, ठीक है, आप या तो समय से लोन पे कर दें ताकि इस समस्या में ना फंसें, या अगर ऐसा कोई आपके साथ कर रहा है तो भैया देखो आपको मैं बताऊं, आपको प्रॉपर सबूत देने होंगे, जो बंदा फ़ोन करेगा या बदतमीजी कर रहा है और कंपनी का नाम ले रहा है उसकी आप रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट बना के रखिए और कंज्यूमर फॉरम में जाइए, ठीक है, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में केस कीजिए, फिर तो यही तरीका बचेगा उनसे निपटने का, उनसे केस लड़ते रहिए, नहीं तो फिर यही है कि चुपचाप उनका समय से पे कर दो, क्योंकि फर्जी लोन आपके पास तो एक ही हथियार है कॉन्टैक्ट लिस्ट का, इनके पास दो दो हथियार है, कानूनी हथियार और कॉन्टैक्ट लिस्ट का भी है इनके पास, तो आप रजिस्टर्ड कंपनी से नहीं भिड़ पाओगे, ठीक है, वो दोनों तरीके आजमाएंगे, कानून का भी डर होगा और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का भी डर होगा,
फर्जी में केवल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का होता है, इसमें दोनों का डर है रजिस्टर्ड ऐप में। तो ऐसी चीज़ों में ना फंसें, रजिस्टर्ड कंपनी से लोन लें, तुरंत चुका दें, झाड़ में ना पड़ें, टेंशन में ना बढ़ें। और फर्जी कंपनी से अगर आपने लिया तो टेंशन वाली बात नहीं है, एक पैसा मत दो, कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज करो, सब ऐसी की तैसी कर दो इनकी। लेकिन रजिस्टर्ड कंपनी में अगर आप नहीं लेते हो तो भैया आपका सिविल डाउन होगा, रिक्वेस्ट घर पे आएगा, वो बदतमीजी भी कर सकता है, तो फिर और आप परेशान होगे, ठीक है ना। आप कार्रवाई कर सकते हो लेकिन कार्रवाई चलती है दिनों दिनों तक, कहाँ तक बैठे रहोगे यार आप, है ना। तो ये प्रोसेस है, ये जो ठेका चल रहा है, इस ठेके को भैया कैसे ख़त्म कर पाएंगे देखते हैं। ये आपको अलर्ट करना था, अवेयर करना था, जो कि मैंने कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, बस मैं आपसे इतना कहूँगा कि लोन लेना है तो लो, मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी ऑनलाइन ऐप से लोन लो ही मत, झाड़ी खत्म है, ठीक है, चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, ठीक है। अगर आप लोन लेके फंस गए हैं किसी फर्जी ऐप में तो उसके हमने तरीके बता रखे हैं, हमने बहुत से वीडियो बनाए हुए हैं, हम कुछ कोर्स भी लेके आए हैं, वो कोर्स भी हमारा देख सकते हो, उसे कैसे बदल लेना है, बाकी आपकी मर्जी है। तो दोस्तों अगर आप किसी फर्जी लोन ऐप से परेशान हैं, हमें लाइव इंटरव्यू दीजिए ताकि आप उसकी समस्या का निवारण कर सकें, सॉल्यूशन दे सकें, और साइबर कैम में कंप्लेंट भी जरूर कराएं, ये बहुत ज़रूरी है। और मुझसे अगर बात करना चाहते हो तो आप मुझसे डायरेक्टली इस तरह से बात कर सकते हो, कॉलिंग फोर ऐप पर, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रही है, चाहे वो लीगल ऐप हो, रजिस्टर्ड ऐप हो, या फर्जी ऐप हो, कोई भी ऐप हो, तो आप मुझसे उसकी जानकारी ले सकते हैं, आपको पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जाएगा अगर आपको कोई भी रिक्वेस्ट एजेंट परेशान कर रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक करते हैं, कमेंट करके जो बताएं ऐसी कौन सी लोन ऐप है जो आपको परेशान कर रही है, मैं उसको एक्सपोज करूंगा। तो दोस्तों अब मैं चलूंगा, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। अब मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।